खबर रायबरेली से, जहां प्रदेश में शराब पीने से हो रही घटनाओं के बाद रायबरेली पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग अब अलर्ट मोड पर आ गया है। गुरुबख्शगंज थाना प्रभारी ने छापामारी कर 250 लीटर अवैध कच्ची शराब और 25 क्विंटल से ऊपर लहन नष्ट किया। उप जिलाधिकारी सदर अंशिका दीक्षित, सीओ लालगंज अंजनी चतुर्वेदी, आबकारी निरीक्षक अजय कुमार और थानाध्यक्ष गुरुबख्शगंज संतोष कुमारी के संयुक्त टीम ने छापामारी कर 250 लीटर अवैध कच्ची शराब और 25 क्विंटल से ऊपर लहन नष्ट किया। साथ ही मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। गुरुबख्शगंज थाना क्षेत्र के घाटमपुर सहित अन्य गांवों के जंगलों में छापेमारी की गई। जिलाधिकारी सदर अंशिका दीक्षित, सीओ लालगंज डॉक्टर अंजनी कुमार चतुर्वेदी और आबकारी निरीक्षक अजय कुमार की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। जंगलों और नालों के किनारे छापेमारी की गई, जहां से शराब बनाते हुए 3 लोगों को मौके से पुलिस ने धर दबोचा। आज यहां थाना क्षेत्र गुरुबख्शगंज में देशी शराब के अगेंस्ट में यहाँ सीओ साहब ने आबकारी की टीम के द्वारा हम लोगों ने यहां पे संयुक्त रूप से दबिश डाली थी। यहां पे लगभग 20 से 25 क्विंटल लहन हम लोगों ने बरामद किया, जिसको डिस्ट्रॉय किया गया है। 3 भट्टियां भी यहां पर हम लोगों को मिली जो कि यूज़ में आ रही थी, उसको भी डिस्ट्रॉय करा गया है। और इसमें इसके साथ में जो लोग संदिग्ध लोग हैं उनके भी जाँच कराई जा रही है, उन लोगों को भी पकड़ा जा रहा है, ताकि इस तरह की जो भी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व लोग हैं वो लोग इस चीज़ को बंद करें। और इसके साथ साथ हम लोग ये भी आगे करने वाले हैं कि इस पेशे से जो महिलाएं इन्वॉल्व हैं उनको किसी दूसरे मुख्य धारा में लाने के लिए उनके लिए प्रयास किए जाए। इस तरह के कैंप भी हम लोग आयोजित करने जा रहे हैं। मैडम, इतनी बड़ी तादाद में यहाँ भट्टियाँ तोड़ी गई और लहन नष्ट किया, क्या इसके बारे में पुलिस को जानकारी नहीं थी? देखिए, कहीं ना कहीं ये तो अब जानकारी थी या संलिप्तता थी, इसके बाद तो नहीं पुष्ट की जा सकती है विदाउट इन्वेस्टिगेशन, बट कहीं ना कहीं लापरवाही है। थोड़ा सा इसको और सतत रूप से देखते रहना है। वैसे टीम्स हमारी जो भी है लगातार इसमें दबिश डाल रही हैं। आई थिंक गुरुबख्शगंज में काफ़ी अच्छा काम भी हुआ है, कई क्विंटल लहन नष्ट की गई है। लगातार हम लोगों के पास रिपोर्ट भी आती है और सीओ साहब और हमारे आबकारी की टीम भी जो इंस्पेक्टर साहब हैं काफ़ी एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट